आई थिंक ये होमी और दीनू का बिलीव था मेरे अंदर दैट दे कुड सी मी एज तारिका. मतलब हाँ, एक फ्रेंचाइज होती है तो आप यू टेंड टू कंपेयर. गलत नहीं है इसमें कुछ. मैं आपको मतलब एज अ पर्सन मैं जैसी हूँ, मुझे जब उस मोमेंट में चीज़ें हो रही होती है तब हिट नहीं करती हैं. काफ़ी टाइम बाद हिट करती है. जैसे पटाखा में भी बहुत टाइम बाद हिट किया था जब मूवी ख़त्म हो गई थी कि अरे मैंने विशाल भारद्वाज के साथ काम कर लिया. सो हर चीज़ का फ्लेवर है, हमने बहुत प्यार से बनाई है, तो प्लीज़ 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 देखने जाइएगा. इरफान खान की बेटी का स्पेशल इंटरव्यू. यहाँ हम बात कर रहे हैं इरफान खान की आने वाली फिल्म अंग्रेजी मीडियम में उनकी बेटी का किरदार पोर्ट्रे कर रही राधिका मदान के इंटरव्यू की. हाल ही में राधिका मदान ने अपने को स्टार दीपक डोबरियाल के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू दिया है. आइए सुनते हैं कि राधिका का अपनी इस फिल्म पर क्या कहना है. आई ऑडिशन फॉर इट, मुझे पता लगा कि यू नो दे लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल एंड आई बेग्ड माय टीम टू गेट मी एन ऑडिशन. एंड मैंने तभी पटाखा ख़त्म की थी, तो आई वॉज 12 kgs हैवियर एंड बट आई रियली वॉन्टेड टू ऑडिशन. आई न्यू दैट आई कुड प्ले दिस गर्ल एंड मैंने किया. एंड आई थिंक ये होमी और दीनू का बिलीव था मेरे अंदर दैट दे कुड सी मी एज तारिका. एंड ऑल थैंक्स टू देम दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. मतलब हाँ, एक फ्रेंचाइज होती है तो आप यू टेंड टू कंपेयर. गलत नहीं है इसमें कुछ, तो कर ले, कुछ प्रॉब्लम है नहीं. क्योंकि लेकिन ये अलग, एक अलग ही स्टोरी है. सो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि अरे ये तो वही कैरेक्टर है जो दिल्ली के चांदनी चौक से. वो रेफरेंस पॉइंट नहीं है. आप खुद ही इनके कैरेक्टर्स के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपको मन आप नहीं कर पाएंगे. रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा आपको कंपेयर करने से. मैं आपको मतलब एज अ पर्सन मैं जैसी हूँ, मुझे जब उस मोमेंट में चीज़ें हो रही होती हैं तब हिट नहीं करती हैं. काफ़ी टाइम बाद हिट करती है. जैसे पटाखा में भी बहुत टाइम बाद हिट किया था जब मूवी ख़त्म हो गई थी कि अरे मैंने विशाल भारद्वाज के साथ काम कर लिया. तो इसमें भी यही है कि मुझे तब नहीं हिट किया, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो. क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हो और बाहर मतलब एक्सटर्नल चीज़ें या कितने बड़े स्टार्स के साथ में काम कर रहे हो उस पर नहीं ध्यान देते. आप बस अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हो और सीन पे ध्यान देते हो. अगर आप लेमैन को सुनाएंगे तो बोलेंगे कि आई यू क्रेजी, आई यू स्टूपिड, आप पढ़ाई में अच्छी हैं, पढ़ाई कीजिए, आपने 4-5 साल डांस में ट्रेनिंग की, आप जाके डांस में ट्रेनिंग कीजिए. बट आपके पेरेंट्स कैसे आपके साउंड मतलब ड्रीम्स दैट साउंड स्टूपिड उसमें भी कन्विक्शन के साथ बोलते कि चलते खुशी मिल रही है ना, हम कर रहे हैं. बॉम्बे में रहना आसान नहीं है, अकेले रहना आसान नहीं है, बट कैसे वो कंफर्टेबल करते हैं आपके एनवायरनमेंट को. अगर जैसे मुझे नहीं डील करना आ रहा था कि अगर मैं 56 घंटे नॉनस्टॉप शूट कर रही हूँ, 48 आवर्स नॉनस्टॉप शूट कर रही हूँ, तो वो मेरे घर पे क्या एनवायरनमेंट बना रहे हैं? क्या वो मुझे ये सीख दे रहे हैं कि चल मैं तेरे को यहाँ से निकाल देता हूँ, या वो बोल रहे हैं कि फेस कर सिचुएशन. 13 मार्च को आ रही है हमारी मूवी अंग्रेजी मीडियम. हम सब ने बहुत प्यार से बनाई है, बहुत होलसम फिल्म है. इसमें आपको जैसे इरफान सर ने बोला था, ये मूवी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और शायद फिर हंसाएगी. सो हर चीज़ का फ्लेवर है, हमने बहुत प्यार से बनाई है, तो प्लीज़ 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 देखने जाइएगा. आपके राधिका मदान के इस इंटरव्यू पर क्या व्यूज़ हैं कमेंट कीजिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल.